महदूद आरजुएं महदूद जिंदगी को अजाब बना देती हैं। वासिफ अली वासिफ साहब का खूबसूरत सा ये कॉल जो आप लोग के साथ शेयर किया। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिया फूड एंड फ्लेवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्या हालचाल हैं। और फिया बना रही है शलजम की रेसिपी और शलजम चिकन का सालन बनाने जा रहे हैं। और कैसे बनाते हैं तो चले फिया आप लोग के साथ शेयर करती है इसके इंग्रेडिएंट्स। तो जी हमने लिए हैं यहाँ पे हाफ के जी के करीब शलजम लिए हैं जिनको मैंने पील कर लिया था और इनको फोर पीसेस में मैंने काट लिया है, यानी एक शलजम के चार पीसेस के। और इसके साथ क्या स्पाइसेस लिए हैं तो भाई हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, पिसा हुआ धनिया लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, पिसी हुई लाल मिर्ची ली है और नमक लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया और ग्रीन चिलीज ली है 5 to 6 और चिकन ली है हाफ के जी ली है और हरा धनिया को मैंने काट के रख लिया था, ठीक है। और ये सारे स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं, पिसा हुआ धनिया जो लिया है मैंने 2 टेबलस्पून है और हल्दी 1/2 टीस्पून है और लाल मिर्चों का जो पाउडर है वो 1 टीस्पून और सॉल्ट एज यू लाइक। आपके जो अगर आप कम खाते हो तो कम, वरना फिर आप ज़्यादा डाल दो। चलिए इसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। पैन को मैं रख चुकी हूँ, फ्लेम मैंने हाई रखा है और अब इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है, ठीक है। ये ऑयल जो है हमारा हीट अप होता है तो फिर इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काटी हुई थी वो मैंने डाल दी इसके अंदर और इसको अब हम लाइट ब्राउन करेंगे, ठीक है। इतने में हमारी प्याज ब्राउन होती जा रही है, ये देखिए कलर चेंज होने लगा है और मैंने इसकी जो फ्लेम मैंने हाई करा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये ब्राउनिश हो चुकी और इसके साथ ही ये ब्राउन हुई अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने और ये सारे स्पाइसेस भी मैंने डाल दिए। और ये डालने के बाद हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमारा जितना अच्छा मसाला भुनेगा वो हम उसका जो है कच्चापन निकल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया और ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। और इसके साथ ही मैंने चिकन भी ऐड कर दिए। अब चिकन को और हम मसाले को दोनों को अच्छी तरीके से भुनेंगे और जब हमारी चिकन भुनने पे आ जाएगी फिर उसके बाद हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। चलिए कि इतने में चिकन हमारी बुनती जा रही है तो क्यों ना आप लोग के साथ थोड़ा सा शलजम के बारे में भी बताते चले। और ये देखिए इसके साथ ही मैंने ये देखिए हमारी बबलिंग स्टार्ट होती गई है और ये ऑयल भी ऊपर आ चुका और अब मैंने इसके अंदर शलजम भी डाल दिए। चले जी अब तो शलजम भी हमने डाल दिए हैं तो अब शलजम के साथ भी भूनते जाएंगे और थोड़ा सा बताते जाते हैं ये शलजम के अंदर क्या क्या है। ये एंटी कैंसर है और इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम है, विटामिन बी है और एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके ब्लड प्रेशर को लो भी करता है। और ये देखिए इसके साथ ही हमने जो है इसके अंदर डाल दिया और अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल दी है और ताकि ये हरी मिर्ची ये आपके लिए होंगी कि आप ज़्यादा डालना चाहते हो ज़्यादा डाल दो, वरना इज़ अप टू यू आप कम डाल दो। अच्छा चले जी अब ये देखिए हमारा चिकन और शलजम अच्छे तरीके से भुन चुका है तो इसके साथ ही मैंने 1/2 ग्लास जो है पानी ऐड किया और मैं इसको कवर करके रख दूंगी 20 मिनट्स के लिए कि हमारे शलजम और चिकन गल जाएँ, ठीक है। और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद हम देखेंगे इसको। ये देखें इसके ऊपर सारा ऑयल आ चुका है, शलजम और चिकन हमारे मोस्टली डन हो चुके हैं और यानी कि ये गल चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ओ मैं तो बताना भूल ही गई थी, इसके अंदर डालेंगे दही जो कि 1 कप के करीब है। इसको मैंने ब्लेंड करके रख लिया था और ये पूरी दही मैंने एक साथ डाल दी जी हाँ। और अब इसको हम अच्छे से तरीके से भूनेंगे और भूनते जा रहे हैं इसको। और चलो जी ये तो भूनने में आ गई है और ऑयल तो आप देख ही चुके थे अच्छा खासा ऊपर आ ही चुका था और इसको हम मुसलसल भूनते जाएंगे, ठीक है। और फ्लेम इस वक्त हाई है, जब मैं दम पे रखा था उस वक्त मैंने इसका स्लो फ्लेम कर दिया था जब 20 मिनट्स के लिए रखा था। ये इतने में हमारी दही भुनने में आती है, देखें इसको अच्छे से भुनना है ताकि इसके कोई बीज ना बन जाए, ठीक है। इसको अच्छे से भूनते जाना है। ये देखिए हमारा दही भी अच्छी तरीके से भुन चुका है और ये देखें अब मैं जो हूँ इसके ऊपर दोबारा से कवर करके रख दूँगी और विद इन 20 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करते हैं।
ठीक है। चलो जी, और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा शलजम चिकन का सालन तैयार हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया जो मैंने काट के रखा हुआ था, ये हम सबसे लास्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर हरा धनिया का भी आए। इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं और डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार किस्म का हमारा शलजम चिकन का सालन रेडी है। तो ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है, अपनी दुआ में फिया को जरूर याद रखना है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। दिस इज मी फिया, अस्सलामु अलैकुम।